हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बचे हुए टॉपिक को। नर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने स्टडी किया था, अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का इम्पोर्टेंस देखेंगे, यानी नर्स्ट इक्वेशन का क्या फायदा है और नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल एग्जाम में अराइज होते हैं यानी पूछे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को। चलिए न्यूमेरिकल है फाइंड आउट द आरपी रिडक्शन पोटेंशियल एंड ओपी फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर Fe+2.01 m2 Fe का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी आयरन आयन का, फेरस आयन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है। ये होता है 0.44 वोल्ट। अब इसी को हम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से निकालना है। ये जो ऑक्सीडेशन जो ये पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल से हम लोगों को किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर नर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालेंगे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी एफई के लिए निकालेंगे। चलिए मान लीजिए पहले हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, तो हम लोग लिखेंगे ई एफ प्लस टू एफ ई प्लस टू अपा एफ ई इज इक्वल टू ई जीरो ई नॉट, माइनस कर देते हैं हम लोग 0.059 अपॉन एन लॉग 10 पी बाई आर। यह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्ट है। चलिए यहां पर ई जीरो तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट नहीं मालूम है कि कौन प्रोडक्ट होगा कौन रिएक्टेंट होगा। पहले हम लोग इस सेल के लिए, इस हाफ सेल के लिए हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो एफ ई प्लस टू इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे तो एफ ई जो हो जाएगा ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड हो गया और ये एक्वस स्टेट में है। इसकी मोलरिटी दी गई है सोल्यूशन की, वो है कितनी 0.01 m। इस पर हम लोगों को निकालना है। चलिए ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे, इसे लिखेंगे रिएक्टेंट। यहां ये सॉलिड है तो सॉलिड कंडीशन में इसका मोलर कंसंट्रेशन जो होगा वो हमेशा 1 होता है। सॉलिड स्टेट में मोलर कंसंट्रेशन हमेशा 1 देता है, 1 से ना तो लेस होता है और ना तो मैक्सिमम होता है, ग्रेटर होता है। इसका निकालेंगे तो यहां दिया गया है ये क्या है 0.01 m है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 हो जाएगा। अब हम लोगों को एक चीज और फाइंड आउट करनी है, यहां जो फार्मूले में एन है स्मॉल एन की वैल्यू हम लोग कहां से लाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा गेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एन होगा, एन इज इक्वल टू हो गया 2। अब हम लोग एन की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे और इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को इस फार्मूले में रख देंगे
और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हम रख देंगे। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल है? क्योंकि यहाँ फेरस आयन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके यानी गेन करके कन्वर्ट हो जा रहा है एफ ई सॉलिड, इसलिए ये रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिडक्शन होता है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। अब हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं, ई एफ ई प्लस टू एफ ई एज इक्वल टू करते हैं, इसकी वैल्यू को यहां से रखते हैं माइनस 0.44 वोल्ट माइनस 0.06 कर देते हैं, क्योंकि 9 को कैंसिल करेंगे तो ये नियर अबाउट 6 के हो जाएगा। एन की वैल्यू रखते हैं 2 और लॉग 10, और यहां पर पी की वैल्यू रख देते हैं 1, यहां पी की वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू रखते हैं यहां से 10^-2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस 0.44 वोल्ट माइनस, ऐसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.03 लॉग, ऐसे कन्वर्ट करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे यानी नॉमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो हो जाएगा लॉग 10^2, ये पावर यहां आ जाएगी। इसलिए हम लोग करेंगे क्या, माइनस 0.44 और माइनस 0.03 इंटू 2, लॉग 10 की वैल्यू होगी 1, तो ये लॉग 10 की वैल्यू 1 कर देंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0 माइनस 0.44 एंड माइनस 0.06, दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों के साइन सेम है, इक्वल है, ये भी माइनस है, तो हम लोगों का आ क्या जाएगा, यहां पर लिखेंगे इक्वल करके, इसको ऐड करेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10, यहां हो गया 8 कैरी आया तो ये हो जाएगा 5, और कर देंगे 0.3, माइनस हो गया क्योंकि जो साइन है वो माइनस है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि एफ ई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। चलिए अब हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसी एफ ई का निकालते हैं, ओपी ऑफ एफ ई प्लस टू एंड एफ ई, इसको जब निकालेंगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो इसे उल्टा कर देंगे यानी रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब क्या हो जाएगा, अब हम लोग लिखेंगे ओपी ऑफ, ये रिवर्स करेंगे तो एफ ई पहले हो जाएगा और एफ ई प्लस टू बाद में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अब इसी फार्मूले को हम लोग दूसरी तरह से कोट करेंगे कि ई एफ ई और एफ ई प्लस, हम लोग इसे कर देंगे जो फार्मूला यहां पर था एफ ई प्लस ऑब्लिक एफ ई था, तो यहां कर देंगे एफ ई ऑब्लिक एफ ई प्लस। अब इसे अगर कन्वर्ट किया गया यानी हम लोगों ने चेंज किया गया, चेंज किया उल्टा किया इसका, तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने का मतलब ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस 0.50 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये पोटेंशियल जो हुआ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, और ये पोटेंशियल जो हुआ ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। देख रहे हैं एफ ई का अगर मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एफ ई का था माइनस 0.44 वोल्ट, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाए, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना निकाला जाए, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा माइनस 0.50 वोल्ट होगा, जो कि इससे लेस होगा,
और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा जाए तो उसी का ठीक पॉजिटिव हो जाएगा, जो हो जाएगा 0.50 वोल्ट होगा। इस तरीके से हम लोग किसी का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए उसमें हम लोग क्या कहते हैं, सपोज करिए इसके प्लेस पर हम लोग ले लेते हैं जिंक का, यहां लिखते हैं ZN या क्रोमियम का ले लेते हैं Cr+3 एक्वस कंडीशन दिखा देते हैं, यहां पर इसकी मोलरता दिखाते हैं 0.1 एम कर देते हैं और इसको कर देते हैं सॉलिड Cr सॉलिड। अब इसका हम लोगों को अगर निकालने तो क्रोमियम का जो मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो Fe से अलग होता है। देखते हैं Cr+3 और 0.1 एम, यहां लिख देते हैं Cr, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.7 और 5 के नियर अबाउट होता है, 0.74 ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, इतना वोल्ट है। अब इसी को हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकालना है। चलिए उसी तरीके से हम लोग फिर करते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन लिखते हैं Cr+3, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, बन के आ गया Cr, ये सॉलिड आ गया, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का 1 होगा, यहाँ ये रिएक्टेंट है इसका दिया गया 1 एम, ये रिएक्टेंट हुआ, रिएक्टेंट की वैल्यू 0.1 कंसंट्रेशन 0.1 को हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा 1/10^-1, ये रिएक्टेंट की वैल्यू हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसमें स्मॉल एन क्या हो गया, स्मॉल एन इज इक्वल टू हो गया 3। अब हम लोग फिर नेक्स्ट इक्वेशन को लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए, फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, यहां इसका रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल जब निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो ये क्रोमियम का दिया गया। अब हम लोग लिखते हैं ई Cr+3 ऑब्लिक Cr इज इक्वल टू लिखते हैं ई नॉट, माइनस कर देते हैं, यहां Cr का होगा ई नॉट, फिर करते हैं माइनस, अब लिखेंगे हम लोग 0.059 अपान स्मॉल एन लॉग 10 प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन। अब हम लोग देखते हैं ई नॉट को यहां से रखेंगे, एन को रखेंगे स्मॉल एन को इस तरह से, और आर के को रखेंगे यहां से और पी को रखेंगे यहां से। चलिए हम लोग करते हैं ई Cr Cr+3 Cr इज इक्वल टू -0.74 -0.06 अपॉन 3 लॉग 10, प्रोडक्ट की वैल्यू को 1, रिएक्टेंट की वैल्यू को रखेंगे तो 10^-1 हो गया। अब हम लोग इसको ऊपर ले चलते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 10^-1, इसको ऊपर ले चलते हैं तो देखेंगे 0.74 माइनस हो गया 3 से, इसको डिवाइड कर देते हैं तो 0.02 इंटू हो गया या लॉग 10^1 इधर आ जाएगी तो आपका हो जाएगा -0.74
or minus 0.02 into 1 मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रहेगा आपका 0.74। ये माइनस में माइनस हो गया 0.02, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 6 और ये आ जाएगा 7, आपका आ गया माइनस 0.76 वोल्ट हो गया। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। अगर इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग कहेंगे फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हम लोग लिखेंगे ई और लिख देंगे सी आर, फिर लिखेंगे सी आर प्लस 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये यही साइन जो हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, ये हो गया 0.76 वोल्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग चाहे क्रोमियम हो या कोई भी मेटल हो, कोई भी नॉन मेटल हो, उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन की मदद से किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बस बच्चों आज का लेक्चर यही था, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बने हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।